दोस्तों, इस स्टॉक का अगर अपर टारगेट के बारे में बात किया जाए तो पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, कैंडलस्टिक पैटर्न तब काम करता है जब मार्केट पर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ ख़राब न्यूज़ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ होता है तो उस टाइम कैंडलस्टिक पैटर्न का रोल सेटिस्फाई कभी कभार नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी के टाइम पर जो वार चल रहा है, जिसके वजह से कैंडलस्टिक पैटर्न देख के भी अंदाज़ा लगा कर कहा ना, बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद भी दोस्तों, इस स्टॉक का अगर अपर टारगेट के बारे में बात किया जाए तो इसका जो अपर टारगेट रहेगा 730 रुपीज़, इसका अपर टारगेट मानकर चल सकते हो। और यह स्टॉक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि यह स्टॉक देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट लिया है आपने आपको, ठीक है। तो मूवमेंट करेगा ये भी चांसेस है। और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों 680 रुपीज़ इसका लोअर टारगेट मानकर चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद भी पैसा आपका है तो खुद एनालिसिस करके पैसा लगाओ, कभी कभार हमारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और हम किसी भी स्टॉक को बाहर करने के लिए किसी को भी एडवाइस नहीं देते हैं दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।